आज बॉक्स ऑफिस पे पठान मूवी को 26वां दिन स्टार्ट है। सैटरडे और संडे का आपको पठान की कमाई में एक बड़ा जंप देखने को मिला है। सुगई की बात करें सैटरडे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफी अच्छा रहा है। दूसरी तरफ संडे का भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफी बढ़िया रहने वाला, क्योंकि टिकट का प्राइस केवल 200 रुपए, चाहे कमाई कम होने वाला लेकिन लोग भर भर के मूवी देखने जाएंगे 100%। अगर ये बात करें पठान मूवी का 24 दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपके सामने, अभी डे 25 और 26 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऐड करना बाकी। 24 दिन का पठान मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे वर्ल्ड वाइड में 986 करोड़। अगर बात करें हिंदी कलेक्शन की, पठान मूवी 24 दिन के अंदर यहाँ पे 508 करोड़ हिंदी वर्ल्ड में कमा चुकी है, और साउथ इंडिया से पठान मूवी को केवल 17 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ है। यहाँ पे पठान मूवी नंबर 1 हाईएस्ट ग्रॉस इंडियन मूवी बन चुकी है। 25 दिन के हिंदी कलेक्शन को ऐड करके बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया पठान मूवी ने। अगर आप शाहरुख खान को दिल से प्यार करते हो तो इस वीडियो को भी दिल से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर बात करें पठान मूवी का 24 दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में पठान मूवी का जो अगर कमाई को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करते तक पठान मूवी 119.68 मिलियन यूएस डॉलर कमा चुकी है। पठान मूवी ने ओवरसीज ग्रास जो पठान मूवी का है वो 369 करोड़ है। अब तक कोई भी ओवरसीज ग्रास में कोई भी बॉलीवुड मूवी इतना कमाई नहीं कर सकी। पठान मूवी के भी 24 दिन के अंदर 44 मिलियन यूएस डॉलर कमा के इतिहास की हिस्ट्री में सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना दिया नॉन रिलीज में। अगर मैं बात करें पठान मूवी का डे 25 और 26 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफी तगड़ा रहने वाला है। अगर बात करें पठान मूवी 23वें दिन या बॉक्स ऑफिस में 8 करोड़ का कलेक्शन किया था पूरे वर्ल्ड वाइड में। 24 दिन पठान मूवी 10 करोड़ का कलेक्शन किया था। अगर बात करें 25 दिन सैटरडे का पठान मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे वर्ल्ड वाइड में 15 करोड़ था, और इंडिया से पठान मूवी ने केवल 4 करोड़ का कलेक्शन किया था। यहां बात करें पठान मूवी का 26 दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बहुत तगड़ा रहने वाला है। चाहे पठान मूवी का टिकट प्राइस 200 रुपए लेकिन भर भर के लोग मूवी देखने जाएंगे, और संडे को काफी अच्छा कलेक्शन लेना 26 दिन पठान मूवी का। पठान मूवी यहां पे 5 करोड़ का एडवांस बुकिंग, जी हां गाइस आपको पता है लोगों को छुट्टी होती है, काम से लोग फारिग होते हैं, और स्पेशली संडे नाइट को लोग बहुत ज्यादा मूवी देखने जाते हैं। नाइट को सिनेमा हॉल्स फुल रहने वाले हैं, और यहां पे संडे को पठान मूवी 15 से 20 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करके 1050 करोड़ पूरे वर्ल्ड वाइड में कमा लेगी, यहां पे जो एस्टिमेट लगाया गया। अगर बात करें पठान मूवी का, यहां पे पूरे वर्ल्ड वाइड में धूम मचा हुआ है। पठान मूवी ने केवल इंडिया से कमाई नहीं किया, पठान मूवी बाहर की कंट्री से बहुत ज्यादा कमाई किया है। पठान मूवी का अभी चाइना में रिलीज करना बाकी है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जब पठान मूवी चाइना में रिलीज होगी और बांग्लादेश में रिलीज होगी तो फिर आपको एक और बड़ा जंप देखने को मिलेगा। पठान मूवी इजिली 100 करोड़ का कलेक्शन करेगी चाइना से। अगर मैं बात करें ऑस्ट्रेलिया से पठान की कमाई 4.51 मिलियन यूएस डॉलर है, जबकि बाहुबली की कम है, यहाँ पर ट्रिपल आर की उससे कम है, और KGF चैप्टर 2 की उससे कम है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली पठान मूवी बॉलीवुड की पहली मूवी नंबर 1 पे आ चुकी है। अगर मैं बात करें पठान मूवी अब तक सबसे बड़ी ब्लॉकबास्टर जितनी KGF चैप्टर 2 बाहुबली की सारी मूवीज के रिकॉर्ड को तोड़ चुकी है। यहाँ पे बाहुबली 2 का जो लाइफ टाइम हिंदी कलेक्शन था वो 511 करोड़ था, और अब तक पठान मूवी 510 करोड़ का हिंदी कलेक्शन कर चुकी है, और संडे को पक्का पठान मूवी बाहुबली 2 का भी रिकॉर्ड को तोड़ देगी। बाहुबली 2 का बजट 250 करोड़ था, जिसने लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे 1150 करोड़ किया था, और पठान मूवी केवल 25 दिन के अंदर 1050 करोड़ कमा चुकी है। क्या पठान मूवी बाहुबली 2 के लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को तोड़ पाएगी? और KGF चैप्टर 2 का बजट 100 करोड़ था, KGF चैप्टर 2 ने लाइफ टाइम में 1200 का कलेक्शन किया था, क्या पठान मूवी KGF चैप्टर 2 के भी रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी? नहीं, कॉमेंट सेक्शन में बताना। और गाइस आप लोग बताओ पठान का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहने वाला है? अगर मैं बात करें पठान मूवी यहाँ पे ट्रिपल आर में नॉर्थ अमेरिकन में सबसे ज्यादा कलेक्शन कर चुकी है। बाहुबली 2 यहाँ पे नंबर 1 पे, पठान मूवी नंबर 2 पे, ट्रिपल आर है नंबर 3 पे, दंगल नंबर 4 है, और यहाँ पे पद्मावत नंबर 5 पे आ रही है। मान लो पठान मूवी ने नॉर्थ अमेरिकन में 15 मिलियन यूएस डॉलर कमाए हैं केवल 22 दिन के अंदर, जी हाँ गाइस। और यहाँ पे पठान मूवी का क्रेज अगर इंडिया में थोड़ा सा कम हुआ है, बाहर की कंट्री में पठान मूवी का क्रेज और भी बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहा है। सो गाइस सैटरडे संडे को आपको एक और बड़ा जंप देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करें पठान शहजादा मूवी कार्तिक आर्यन की शहजादा मूवी की, जिसका बजट 60 करोड़ है, शहजादा मूवी 100% फ्लॉप होने वाली है, क्योंकि पहले दिन सिर्फ कार्तिक आर्यन की शहजादा मूवी ने केवल 6 करोड़ का कलेक्शन किया था इंडिया से, और कार्तिक आर्यन की शहजादा मूवी फ्लॉप होगी या हिट होगी कमेंट सेक्शन में बताओ। सो ब्रो आज की वीडियो में इतना, आपको जो इन्फॉर्मेशन देगी वो बॉक्स ऑफिस 100% रियल इन्फॉर्मेशन है, आपको कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं देगी। तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। वैसे आप लोग शाहरुख खान की फैन हो, सलमान खान की फैन हो, या टाइगर की फैन हो, जिसके भी कॉमेंट सेक्शन में बताना। तब तक गुड बाय, टेक केयर, लव यू।